हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज शोमजीत और आज हम लोग दी एनिमी का सेकंड सेशन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे स्टोरी में डॉक्टर सदाव होकी एक कंफ्यूजन में थे। वो कंफ्यूजन क्या था? उनकी मोरल ड्यूटी और नेशनल ड्यूटी के बीच। उनका मोरल ड्यूटी ये कह रहा था कि जो स्ट्रेंजर यानी जो प्रिजनर था, अमेरिकन प्रिजनर, उसको बचाना चाहिए एज अ डॉक्टर, लेकिन उनका नेशनल ड्यूटी ये कह रहा था कि उसे हैंडओवर कर देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। इसी बात को लेकर बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा था डॉक्टर सदाव होकी और हैना, जो कि उनकी वाइफ है। एट लास्ट उनका जो मॉरल वैल्यू था उसने विक्ट्री पाया और उन्होंने उस प्रिजनर को एक्सेप्ट किया और ये डिसाइड किया कि उसका ट्रीटमेंट किया जाए। यहां तक हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था। सो आज का सेशन भी शुरू करते हैं इसी के साथ। ही इज सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। यस, ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव अग्रीड। इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। आई कैनॉट बियर यू टू टच हिम, शी सेड। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर। सो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट डे पड़ा था कि उन लोगों ने उस प्रिजनर को घर के अंदर लाया और वो घर के अंदर किस रूम में रखा था, वो था सदाव होकी के फादर के रूम में उस प्रिजनर को रखा था। सो अब हैना कहती है कि ये इंसान बहुत ही डर्टी है, मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि वो इतने दिनों से वो भाग के आया था, न जाने वो कौन से जंगल से होकर कहाँ कहाँ होकर वो आया था, टॉर्चर में था वो, तो बहुत ही डर्टी था वो। तो सदाव कहता है कि हाँ, उसे एक वॉश की जरूरत है, उसे एक शावर की जरूरत है। सदाव कहता है कि अगर हैना को कहता है कि तुम मुझे गर्म पानी ला के दो, मैं ये उसे वॉश कर दूंगा, लेकिन हैना कहती है कि मैं तुम्हें उसे, मतलब उसे टच करने के लिए मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकती हूँ, तुम मत करो, उससे अच्छा है कि सर्वेंट्स को बुला लेते हैं। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर। I will tell you me now. Yes, she can leave the children for a few minutes and she can wash him. So, यहाँ पे एक और character का introduction होता है, जो कि सदाव होकी के घर के एक servant थे, यूमी, और साथ ही साथ वो actually babysitter का काम भी करती थी। वो सदाव होकी के जो बच्चे थे उनको संभालती थी। So, हैना कहती है कि फॉर अ मोमेंट वो बच्चे को मैं संभाल लूंगी और यूमी आके उसे एक शावर दे देगी, उसे वॉश कर देगी, मतलब क्योंकि प्रिजनर अनकॉन्शियस था, वो खुद से तो कुछ कर नहीं सकता था, तो काइंड ऑफ एक वॉश की जरूरत थी उसे। सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ही अग्रीड। सो टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। सो सदाव कहता है कि ठीक है, तुम जो कह रही हो वैसा ही करते हैं, तुम यूमी को बता दो, कि क्योंकि किसी को नहीं पता था कि एक अमेरिकन प्रिजनर घर पे है। सो सदाव कहता है कि तुम यूमी को बता दो और मैं दूसरे सर्वेंट्स को, जो भी गार्डियनर है, उन लोगों को मैं बता दूंगा। बट द आउटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट। The heart too was yet alive. लेकिन सदाव ने क्या किया पहले, मतलब बहुत ही क्यूरियस था, बिकॉज एक डॉक्टर है तो वो अपने पेशेंट को चेक करना चाहता था, तो वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो क्या करता है, वो पेशेंट का यानी वो प्रिजनर का पल्स चेक करता है। तो पल्स बहुत ही माइल्ड था, लेकिन पल्स था, वो डेड नहीं था, वो अनकॉन्शियस था, लेकिन उसमें अभी भी लाइफ थी, राइट। He will die unless he is operated on, Sadao said. Considering the question is whether he will die or whether he will not die anyway. Hannah cried out in fear, don't try to save him. What if he should leave? What if he should die? Sadao replied. He stood gazing down on the motionless man. This man must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. But there he was, very young, perhaps not yet 25.
सो यहां पर जब पल्स चेक करने के बाद सदाव कहता है कि बहुत ही जल्द इसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है, नहीं तो ये मर जाएगा। तो हैना कहती है कि क्या इसे जिंदा होना जरूरी है, ये अगर मर जाए तो क्या होगा, मतलब वो ऐसे कहती है। और सदाव कहता है कि क्यों उसे, मतलब वो अगर जिंदा रहेगा तो क्या होगा। फिर सदाव ये भी कहता है, मतलब अपने डॉक्टर के, मतलब अपने मेडिकल एक्सपीरियंस से वो कहता है कि इस इंसान में बहुत ज्यादा एनर्जी भी है, एक बिकॉज वाइटालिटी का बात किया गया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटालिटी, वो इस चीज को फोकस करता है क्योंकि उसके मेडिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसा टॉर्चर मतलब उसे दिख रहा था, जैसा उंड उसे आया था, मतलब जो गन, क्योंकि गन का शॉट उसे लगा था, गोली लगी थी उसे, तो इस टाइम पे कोई और होता तो शायद मर चुका होता, लेकिन वो अभी भी जिंदा था और वो शायद 25 एज का था, ऐसे वो कहता है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हैना आस्क्ड। यस, हैना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाउट टर्न्ड अवे। हैना कहती है कि क्या वो ऑपरेशन के दौरान भी मर सकता है, अगर ऑपरेशन करने को मतलब लेट हो जाए, या फिर ऐसा मतलब बोलो कि डिस्कशन करते हैं। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। कहता है कि कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले इसे वॉश करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हम सब हमें सब लोगों को पता है कि कभी भी अगर किसी को चोट लगता है, कट जाता है, तो उसमें अगर डर्ट, मतलब अगर कुछ भी ऐसा एक्सटर्नल कुछ भी डर्ट अगर चला जाता है, बैक्टीरिया वायरस अगर कुछ चला जाता है, तो वो काइंड ऑफ एक सेप्टिक हो जाता है, मतलब उसके लिए एक प्रिपरेशन करना जरूरी होता है, एक फर्स्ट एड करना जरूरी होता है। He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. He was the first she had seen since she had left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, living or dead. सदाव रूम से बाहर जाता है और हैना भी पीछे पीछे चली जाती है, बिकॉज हैना काइंड ऑफ थोड़ी सी डरी हुई थी, वो उस प्रिजनर के साथ नहीं, मतलब वहां पे अकेली नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था अगर कुछ कर दिया उसने, मतलब तो डर के चक्कर में वो बाहर आ गई। और मतलब मैंने जैसे कि लास्ट एपिसोड में ये डिस्कस किया था कि हैना अमेरिका से थी, और अमेरिका से आने के बाद ये जो प्रिजनर था वो पहला एक अमेरिकन था, एक व्हाइट मैन था, जिससे एक मुलाकात हो रहा था। लेकिन हैना तभी सोच लेकिन हैना ये भी कहती है, तभी ये सोचती है कि उसके जो भी जान पहचान अमेरिका में थे, जो भी रिलेटिव्स थे, उससे इसका कोई भी नाता नहीं है, ये तो बस एक एनिमी है, बिकॉज वो एक बिकॉज अभी हैना ने अपने आप को पूरा एक जापान के, मतलब जापानीज हो चुके, मतलब उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है उस देश के लिए। उसके लिए वो एक एनिमी ही था। She turned to the nursery and called Yumi, but the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months. अब हैना यूमी के पास जाती है, यूमी को ये बताने के लिए कि उस प्रिजनर को एक वॉश की जरूरत है। और यूमी, जैसा कि मैंने कहा, वो बेबी सिटिंग कर रही थी। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि सदाओ होकी का जो बेटा था, मतलब जो यहाँ पे बेबी था, वो 3 मंथ्स ओल्ड था। ओवर द बेबी सॉफ्ट हेयर शी मोशन विद हर माउथ, यूमी कम विद मी, I will put the baby to bed, Yumi replied. He is ready. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arm while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them. इससे पहले कि यूमी जाती, मतलब ऑर्डर फॉलो करती जो हैना कह रही थी, उसे अपना जो पहला जो वो ड्यूटी था बेबी सिटिंग का, मतलब उसके बेबी को सुलाना था, उसके लिए वो उसके रूम में गई और हैना ने तब तक बेबी को अपने पास रखा और यूपी ने बेडशीट वगैरह लगा के क्योंकि उसको सुला दिया।
Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The two servants were frightened at what their master had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs on his lips. So अब हैना किचन में जाता है और किचन में जाने के बाद वहां के जो कुक थे, वहां के जो सर्वेंट्स थे, वो बहुत ही फ्राइटेंड थे क्योंकि सदाओ ने ऑलरेडी उन लोगों को इस बात का इंफॉर्मेशन दे दिया था कि उनके घर में एक अमेरिकन प्रिजनर मौजूद है. सो इस बात से वो बहुत ही स्ट्रेस में आ गए थे. तो उसी चीज का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया गया है. द मास्टर ought not to heal the wound of the white man. He said bluntly to Hannah, the white man ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heals the gun, heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. So yahan pe jo servant tha वो हैना को बहुत ही ब्लंटली कहता है कि मास्टर को, यानी कि सदाओ होकी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे बचाना नहीं चाहिए था. और वो एक केस के बारे में कहता है, आई मीन उसी चीज एक कॉन्सिक्वेंस के बारे में कहता है कि ये वाइट मैन शायद टॉर्चर होके आया था, शायद उसे गोली लगी थी और वो सी में मतलब सी में वो तैरते हुए, नॉट तैरते हुए लेकिन उस लहरों के साथ वो बहते हुए आया था. सो हो सकता है कि जब सदाओ हो कि उसका ट्रीटमेंट कर दे तो वो शायद उन लोगों से, यानी कि सदाओ हो कि के जितने भी फैमिली मेंबर्स थे सर्वेंट से, उन सब से रिवेंज ले. आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हैना रिप्लाइड कर्टियसली. But she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. So, फिर से एक ख्याल Yumi को, I mean Hannah को आता है कि क्या वो सही होगा एक एनिमी को हेल्प करना. फिर यही सोचते सोचते वो यूमी को कहती है कि हॉट वाटर लाओ और व्हाइट मैन को वॉश करने के लिए. She went ahead and slipped back the partition. Sadao was not yet there. Yumi following put down her wooden bucket. She went over the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness. I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. So Yumi उस white man को देखकर चौंक जाती है, surprise हो जाती है और वो कहती है कि I have never washed a white man. मैंने जिंदगी में कभी भी एक American को wash नहीं किया है या फिर उसे shower नहीं दिलाया और इसे तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी जो कि इतना ज्यादा dirty है, जो इतना ज्यादा गंदगी से भरा हुआ है. Hannah cried at her severely, you will do what your master commands you. There was so first a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. After all, if the servants should report something that was not as it happened. So, lekin ye kya उसे ऑर्डर देने से पहले, मतलब हैना ने कहा कि तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं कह रही हूँ, तुम्हारे मास्टर जो तुमसे कह रही है तुम्हें उस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए. लेकिन हैना ने ये भी देखा कि Yumi के फेस में एक रेजिस्टेंस भरा एक लुक था, एक फियर्सफुल लुक था. सो इस वजह से वो देखकर हैना थोड़ी सी डर गई क्योंकि एक्चुअली अगर सर्वेंट्स के ऊपर अगर गुस्सा करके, अगर सर्वेंट्स कहीं जाकर अगर किसी और को इन्फॉर्म कर दे, किसी ऑफिशियल को बता दे, तो सदाओ होकी और उसका पूरा फैमिली प्रॉब्लम में पड़ सकता है. वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर. आई विल हैव नथिंग टू डू with it, Yumi said. I am a poor person and it is not my business.
सो हैना कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बस उसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, यानी प्रिजनर का ट्रीटमेंट करेंगे और उसे ऑफिशियल्स के हाथों मतलब हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन यूमी फिर भी रेजिस्ट करती है, वो कहती है कि ये मेरा मैं बहुत ही पुअर हूँ और मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है, मुझे कोई भी अपने अपने ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं लाना है। एक कहकर वो रिफ्यूज कर देती है उस प्रिजनर को एक वॉच देने के लिए। Then please, Hannah said gently, return to your own work. अब Hannah कहती है कि ठीक है, ज़्यादा discussion करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना जो काम कर रही थी, वो तुम काम करो। At once, Yumi left the room, but this left Hannah with the white man alone. She might have been too afraid to stay, had not her anger at Yumi stubbornness now sustained her. So Hannah यहाँ पे कहती है कि obviously पहले शुरुआत में उसने कहा था कि वो बहुत ही डरी हुई थी इस बात को लेकर। हैना अब कहती है कि शायद वो जो एक मतलब उसने जो गुस्सा किया, उस गुस्से की वजह से, गुस्सा का जो आउटकम था उसके वजह से वो अभी तक रेजिस्ट कर पा रही थी उस वाइट मैन के साथ एक रूम में अकेली रहने का। स्टूपिड यूमी, शी मर्टर्ड फर्स्टली, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड वुंडेड हेल्पलेस मैन। सो बातों ही बातों में हैना मतलब कहती है कि यूमी बहुत ही स्टूपिड है, मतलब क्योंकि उसने रिफ्यूज कर दिया तो ऑब्वियसली हैना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे कहा गया, इन द कन्विक्शन ऑफ आवर ओन सुपीरियरिटी शी बेंट इम्पल्सली एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स दैट कीप द वाइट मैन कवर्ड। व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर शी डिप द स्मॉल क्लीन टॉवल दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्ट्रीमिंग हॉट वाटर एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली। सो अब बिना किसी देर किए हुए हैना जो है वाइट मैन का शर्ट मतलब जो भी था नॉटेड ड्रग्स जो था उसको उतारा, मतलब जो जो भी ड्रेस था उसका उतारा उसे वॉश करने के लिए गर्म पानी से। द मैन स्किन दो थ्रू रफ विद एक्सपोजर दो रफ विद एक्सपोजर वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that she was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. So यहाँ पर जब उसका शर्ट उतारा जाता है तो यूमी कहती है कि मतलब बहुत ही मतलब स्किन उसके स्किन का डिस्क्रिप्शन देती है और वो कहती है कि बचपन में ये लड़का बहुत ही मतलब स्वीट सा था होगा, मतलब ऐसे ही डिस्क्रिप्शन देती है। हाँ, सो लेकिन उसके बाद ही हैना ये भी कहती है कि वो अभी एडल्ट है, वो चाइल्ड नहीं है, सो इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं। सो वो कंटिन्यू करती है अपना वॉशिंग का प्रोसीजर। शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वाज क्वाइट क्लीन बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर। वेयर वाज सदाव नाउ हर एंगर वाज एबिंग and she was anxious again and she rose wiping her hand on the wrong towel the least the man be chilled she put the quilt over him sadao she called softly so ab upper body uska wash ho chuka tha pura clean ho chuka tha lekin hana use dusre taraf modne mein dar rahi thi kyunki use piche ke taraf बैक साइड पे उसका गोली लगा था तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी और वो सदाव अचानक से गायब हो गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था, तो वो बहुत ही गुस्से में आ गई थी कि वो कहाँ चला गया। He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. You have decided to operate, she cried. Yes, he said shortly. तो इसी के साथ सदाव का फिर से एंट्री हो जाता है, वो घर पे आ जाता है और किस चीज के साथ, अपने सर्जन इमरजेंसी बैग के साथ जिसमें जितने भी मेडिकल टूल किट्स थे उस चीज को लेकर वो सदाव अपना एंट्री ले लेता है। और हैना पूछती है कि तुमने डिसाइड कर लिया है देन फाइनली उसे ट्रीटमेंट देना ही है, तो सदाव कहता है कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है। He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the Tokunama alcove and put his instrument out upon it.
सो अब धीरे धीरे सदाव जो है अपना ट्रीटमेंट का प्रोसीजर जो है वो शुरू करता है। वो अपना स्टेरिलाइज टॉवल निकालता है। अब यहाँ पे एक वर्ड का जापानीज वर्ड का डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब किया गया है, टोकोनामा। टोकोनामा का मतलब यहाँ पे NCERT के नीचे दिया हुआ है, एन एक्लोव इन अ जापानीज होम फॉर डिस्प्लेइंग अ फ्लावर अरेंजमेंट। सो ये एक काइंड ऑफ एक वॉल पे कोई फ्लावर या फिर कोई पिक्चर को जो है डिस्प्ले करने के लिए उस चीज को कहा गया है। फेच टॉवल्स ही सेड, सदाव अब टॉवल्स मांगता है। शी वेंट ओबीडियंटली बट हाउ एंशियस नाउ टू द लिटिल सेल्व्स एंड टुक आउट द टॉवल्स। देयर ऑट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेस ऑफ मेटिंग ऑफ दैट ब्लड वुड नॉट रुइन द फाइन फ्लोरिंग कवर। सो अब सदाव कहता है कि कुछ मैट वगैरह लाओ जिससे उस इंजर्ड प्रिजनर का जो ब्लड स्टेन्स है वो कहीं मतलब फ्लोर पे ना लग जाए, जो वुडन फ्लोर है उस पे ना लग जाए। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, शी वेंट आउट टू दी ब्लैक वरंडा वेर दी गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मेटिंग विथ विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट शर्ब्स ऑन द कोल्ड नाइट एंड टुक एन आर्म ऑन देम। सो अब वो बाहर वरंडा में जाती है जहाँ पे कुछ मैट्स रखे हुए थे, लेकिन जब वो घर के अंदर आती है तब वो देखती है कि ऑलरेडी उसके जो ब्लड स्टेन्स है वो फ्लोर पे लग चुके हैं। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू थ्रू दी पैकिंग इन दी मैंस वुंड एंड हैड रुइंड दी मैट अंडर हिम। ओ दी मैट, शी क्राइड। यस इट इज रुइंड, सदाव रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर। सो यहाँ पे उसी चीज का डिस्कशन है, मतलब सरप्राइजिंगली मतलब सरप्राइज होके और एंशियस होके हैना कहती है कि देखो वो मैट मतलब मैट के बारे में, ओ दी मैट वो एक्सक्लेम करती है। देन सदाव कहता है कि हाँ ये रुइन हो चुका है, ये खराब हो चुका है। लेकिन सदाव का जो रिप्लाई था उसमें एक फीलिंग था कि वो इस चीज के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता है, वो ट्रीटमेंट को आगे प्रोसीड करना चाहता था। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड ही बिगेन टू वॉश द मैंस बैक केयरफुली। यू मी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। Did you wash him then? Sadao asked, not stopping for a moment. His swift तो यहाँ पे सदाव और हैना के बीच उसको वॉश करने के प्रिजनर को वॉश करने के बारे में वो डिस्कशन चल रहा है। सो हैना कहती है कि यूमी ने इनकार कर दिया उसे वॉश करने को। सो सदाव मतलब विदाउट स्किपिंग अ पिट सदाव पूछता है कि डिड यू वॉश हिम। सो सदाव हैना कहती है हाँ मैंने ही किया। He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked, so long as it was for the work he did excellently. So, यहाँ पे जब हैना ने कहा कि हाँ मैंने धोया, सो उस बात को सदाव ने जैसे इग्नोर ही कर दिया। मतलब वो अपने ट्रीटमेंट में एनग्रॉस हो गया था, उस चीज में वो एब्जॉर्ब हो गया था। सो हैना इस चीज को मतलब इस चीज से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर थी, क्योंकि बहुत ही अच्छा डॉक्टर था सदाव होकी और वो अपने काम को बहुत सीरियसली करता था। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, ही सेड। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई। इट्स इजी इनफ, शी सेड इम्पेशेंटली। सो अब सदाव हैना को हेल्प हेल्प के लिए पूछता है। वो कहता है कि तुम्हें भी अपना एक पार्ट निभाना है। वो क्या करना है, जो प्रिजनर है उसको एनेस्थेसिया देना है। लेकिन हैना कहते हैं कि मैंने ये चीज पहले कभी नहीं किया है। सो सदाव कहता है कि कोई बात नहीं, बहुत ही ईजी है, मैं सिखा दूंगा। ही वॉज टेकिंग आउट दी पैकिंग नाउ एंड दी ब्लड बिगैन टू फ्लो मोर क्विकली। ही पियर्ड इन टू दी वन विथ The bright surgeon's light flashing on his forehead. The bullet is still there, he said with the cool interest. Now I wonder how deep this rock wound is. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet. But the bleeding is not superficial. He has lost much blood. So Sadao जो है एक यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में डिस्क्रिप्शन है, मतलब वो एंशियंट डेज में ऐसे ही टॉर्च वगैरह होते थे जो मतलब
सर्जन लोग लगाते थे। सो इससे वो देखता है कि एक बुलेट जो है, इंसर्ट जो बुलेट है वो अभी भी वहीं पे मौजूद है। लेकिन सदाव कहता है कि ये जो वुंड है, ये जो घाव है, सुपरफिशियल नहीं है, मतलब उतना लाइट नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खून उससे बहुत ज्यादा खून बहा है। तुम देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। एट दिस मोमेंट हाना चोग्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। डोंट फेंट, ही शार्पली सेड। सो ये फूंड वगैरह, क्योंकि हैना पहली बार देख रही थी मतलब इतने क्लोजली, सो ये देखकर हैना जो है उसे उल्टी आ गया। और सदाव ने कहा कि तुम बेहोश मत हो जाओ। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोडिंग इंस्ट्रूमेंट। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। शी क्लैप्ड हर हैंड आउट ऑफ हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। लेकिन सदाव जो था वो हेल्पलेस था, क्योंकि वो अगर अपना इंस्ट्रूमेंट या फिर वो अपना इंस्ट्रूमेंट छोड़ के अगर वो हैना के पास जाता तो शायद वो मर भी सकता था उसके ट्रीटमेंट में एक इंटरवेंशन आने की वजह से। इसीलिए वो हेल्प नहीं कर पाया और हैना जो है वो बाहर चली गई, रूम के बाहर। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क। सो अब वो अपना मतलब वो सुन पा रहा था कि वो वॉमिट कर रही थी, लेकिन ये सुनते हुए वो हेल्पलेस था जैसा कि मैंने कहा, और वो अपने काम के साथ वो प्रोसीड कर रहा था। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट। ही हैड फॉरगेटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इनपेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। अब सदाव जो है बहुत ही इरिटेटेड हो जा रहा था, क्योंकि वो हैना का हेल्प भी नहीं कर सकता था और उसके सामने जो पेशेंट था वो काइंड ऑफ डेड हो चु मतलब डेड हुआ नहीं था लेकिन कंडीशन उसका डेड की तरह ही था। तो उसी बात के बारे में वो कहता है। दिस मैन ही थॉट देर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम ब्रेथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली इन हिज ड्रीम। द मैन मून बट सदाउट पेन पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर हिम। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग दिस। सो जब ट्रीटमेंट चल रहा था तब जो पेशेंट जो था वो दर्द से थोड़ा थोड़ा आवाज कर रहा था। तभी सदाव भी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता मैं क्यों ये ट्रीटमेंट कर रहा, तुम्हें शायद ये जिंदा जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था। यही काइंड ऑफ अपने आप में सदाव जो है डिस्कस कर रहा था। द डोर ओपन एंड देयर वाज हैना अगेन। सो अब हैना की एंट्री होती है। वेयर इज द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। सदाव मोशन विद हिज चेन। इट इज एज वेल दैट यू केम बैक। इट इज एज वेल दैट यू केम बैक, शी ही सेड। दिस फेलो इज बीइंग टू स्टर। है ना, आते ही पूछते कि एनेस्थेसिया कहाँ है। चलो मैं, तुमने जो काम दिया है, जो ऑर्डर दिया है, मैं वो करती हूँ। ही हैड द बॉटल एंड सम कॉटन विद अ हैंड, बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, सिंपली सैचुरेट। सो इस पूरे स्टैंजा में एक्चुअली क्या होता है, मैं समझा देता हूँ कि सदाव जो है ना को एक्सप्लेन करती है कैसे एनेस्थेसिया देना है, उसी प्रोसीजर्स के बारे में यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट इस वाले स्टैंजा में जो है क्या होता है डिस्कशन, कि जब वो एनेस्थेसिया दे रही होती है तब वो देखती है और वो सोचती है कि जो जनरल ताकीमा है, मतलब जो का मेन हेड है, जो मतलब जापान के उस समय में जो मिलिट्री को लीड कर रहे थे, वो इंसान अपनी वाइफ को भी घर पे मारता है। तो सोचो कि अगर उस इंसान को ये पता चलेगा कि उस सदाव के घर में एक अमेरिकन प्रिजनर है और जिसका ट्रीटमेंट सदाव कर रहा है, मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। शी होप्ड एंशियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर। दो स्कार, शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आईज टू सदाव। हैना जो है होप करती है कि उसे शायद टॉर्चर ना किया गया हो पास्ट में, लेकिन वो बहुत सारे स्कार्स देखती है, रेड स्कार्स देखती है, और वो सदाव को कहती है कि मतलब देखो वो स्कार्स के बारे में।
बट ही डिड नॉट आंसर, क्योंकि सदाव बहुत ही एनग्रोस था. दिस मोमेंट ही फेल द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली. सो अब जब वो अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ ट्रीटमेंट कर रहा था, तो अचानक से किडनी के पास में, मतलब उस प्रिजनर के किडनी के पास में कुछ हार्ड सा सब्सटेंस उसे फील होता है. ऑल थॉट लेफ्ट हिम, ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर. ही प्रूव्ड विद हिज फिंगर डेलिकेटली फैमिलियर विद every atom of this human body. His old American professor of anatomy had seen to that knowledge. So ये कहती ही अपने further procedure वो आगे बढ़ाता है और वो अपने fingers से try करता है उस bullet को निकालने का. वो feel करता है क्योंकि उसे human body के बारे में हर चीज पता था. उसने बहुत ही ग्रैनुलर तरीके से अपना जो कोर्स था मेडिकल का वो उसने किया था, और वो उसके अमेरिकन प्रोफेसर को कोट करता है, कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन. सो ही हैड 100 एट हिज क्लासेस इयर्स आफ्टर इयर्स टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट. एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर. सो सदाओ के जो अमेरिकन प्रोफेसर्स थे वो कहते थे कि इन चीजों के मामले में बहुत ज्यादा केयरफुल होना जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में थोड़ा सा इधर से उधर हो गया तो किसी मतलब उस पेशेंट का जान भी चला जा सकता है, और वो एक ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो एक मर्डर कहलाएगा. सो इसी चीज के बारे में वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है. इट्स नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मर्मर्ड. इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही गॉट हिमसेल्फ एज एन ऑपरेशन माई फ्रेंड. ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड, फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी. सो यहाँ पे एक आयरनी देखो, शुरुआत में किया था मतलब एक एनिमी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, मतलब एक एनिमी है, वो एनिमी है कह के. लेकिन सदाव का एक हैबिट था कि वो अपने पेशेंट को हमेशा हमेशा माय फ्रेंड कहता था, और वैसा ही हुआ. उसने इस प्रिजनर को भी माय फ्रेंड कहकर पुकारा. देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजंस द बुलेट वाज आउट. सो फाइनली वो बुलेट जो है निकल चुका. द मैन क्विव्ड बट ही वाज स्टिल अनकॉन्शियस. नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू वर्ड्स, फ्यू इंग्लिश वर्ड्स. सो फाइनली बहुत ही प्रिसाइज और अपने मेडिकल एक्सपीरियंस के वजह से सक्सेसफुली सदाव ने है जो है विदाउट एनी हार्म पहुंचाए वो बुलेट को जो है अमेरिकन प्रिजनर के बॉडी से निकाल लिया. सो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं. तो आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे उस अमेरिकन प्रिजनर का जो है ट्रीटमेंट प्रोसीजर हुआ, कैसे क्या रिएक्शन था उस सर्वेंस लोगों का, फिर कैसे मतलब हर एक चीज के बारे में यहाँ पे मतलब वो ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया इस चैप्टर में. सो आई होप आप लोगों को ये जो चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. और हाँ, एक और बात, अगर चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक भी कर दो, मुझे अच्छा लगेगा. सपोर्ट करो चैनल को ग्रो करने में, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे मुझे एक सपोर्ट मिलेगा और मैं और भी वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा. सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप लिविंग.